हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के बारे में। यहाँ पे एक ब्रेकिंग खबर निकल करके आ रही है एनएमडीसी में, और इसका असर मुझे लगता है जब फ्राइडे को बाजार खुलेंगे तो इसमें बढ़िया तेजी के साथ इसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ऑलरेडी आज यहाँ पे बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, 6 रुपये ऊपर था, 3% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली थी। और यहाँ पे जो 2 रुपये 90 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ पे जो हाई आप देखोगे तो 213 रुपये के आसपास का था। उसके बाद आपको पता होगा कि आज निफ्टी मेटल्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ए भी मेटल्स में डील करता है, हालांकि ए कच्ची धातु में डील करता है, परंतु स्टील के लिए जो मेटल्स चाहिए वही ये बनाता है। तो कहीं ना कहीं स्टील के शेयरों में जब गिरावट आएगी तो इसका इम्पैक्ट एनएमडीसी में देखने को मिलेगा। परंतु जो खबर निकल करके आ रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसका असर भी हमें पॉजिटिव फ्राइडे को देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करना चाहूँगा यहाँ पे कारोबार की डिटेल के साथ, एनएससी की वेबसाइट पे आपको लेके आया हूँ। 202 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 6 रुपये ऊपर, 3% की तेजी, हाई 213 रुपये 20 पैसे का, और यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है 197 रुपये 80 पैसे के आसपास का। कारोबार की बात करें 6,53,79,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें 97,53,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग लगभग 15% के आसपास की है। तो हाल फिलहाल में पिछले काफ़ी दिनों से इसमें भयंकर ट्रेडिंग हो रही है, भयंकर वॉल्यूम निकल करके आ रहा है। हाल फिलहाल में किस तरह का रिटर्न दिया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 1 साल तो बहुत ही बेहतरीन, 186% के रिटर्न, पिछले 6 महीने में 122% के रिटर्न, 3 महीने में 80% से ज़्यादा के रिटर्न, 1 महीने की बात करें 51% के रिटर्न, 1 वीक में भी 21% का रिटर्न, और आज भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे मेटल के शेयरों में भी गिरावट थी, फिर भी ये 3% की तेजी आपको दिखाता हुआ नजर आया था। फंडामेंटल देखें तो दोस्तों बढ़िया कंपनी है, ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू कंपनी है। यहाँ पे देखें माइनिंग एंड मटेरियल्स में यहाँ पे डील करती है, मेटल्स में। यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें 59,476 करोड़ की कंपनी, मतलब कि एक लार्ज कैप कंपनी है। EPS 12.82, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 16 के आसपास का दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 10.5 का है, क्योंकि ये मार्केट लीडर है तो यहाँ पे हाई वैल्यूएशन बिल्कुल कमांड करेगा। यहाँ पे डिविडेंड की भी बात करना चाहूँगा कि डिविडेंड भी 2.5% का है, तो डिविडेंड में भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का है और फेस वैल्यू 1 का नज़र आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत तगड़ी है दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न Q4 की। प्रमोटर के पास जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके पास 68% की होल्डिंग है। यहाँ पे बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है, जिसमें FII और FPI के पास 4.5% से भी ज़्यादा, और DII ने तो इसमें दबा करके माल खरीदा है, 21% के आसपास DII के पास होल्डिंग है, और बाकी जो होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशन जिसमें रिटेलर भी शामिल है, उसके पास 6.31% की होल्डिंग नज़र आ रही है। मैं आपको सीधा न्यूज़ पे ही लेके जाना चाहूँगा, और न्यूज़ क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखें NMDC हाइक लंप और प्राइस बाय 700 पर टन, फाइंस बाय 1500 पर टन। तो दोस्तों यहाँ पे और मतलब कि कच्ची धातु, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्टील का उत्पादन करने के लिए जो उसकी कच्ची धातु लगती है वही उसका ही उत्पादन यहाँ पे NMDC करता है। तो वहाँ पे उन्होंने जो प्राइस है उसमें हाइक करी है। यहाँ पे लंप और की बात करें जिसमें 700 पर टन हाइक करी है, और फाइंस की बात करें जिसमें 1500 पर टन हाइक करी है। तो यहाँ पे हाइक देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या हो गया, प्राइस हाइक करी उसके लिए इसमें क्या इतनी बड़ी बात होगी। परंतु दोस्तों आपको हाइक के पीछे का रीज़न समझना चाहिए कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाइक कब करती है। दोस्तों कब करती है आप ही बताइए, जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो। हाल फिलहाल में देखें तो स्टील ही ऑल टाइम हाइक पे चल रहा है, स्टील का भाव ही, और इसके चलते डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ही स्टील का प्राइस ऑल टाइम हाई चल रहा है। परंतु स्टील का प्राइस हाई चल रहा है, स्टील की डिमांड ज़्यादा है, तो जो स्टील के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी कच्ची धातु, वो कंपनी की भी डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। इसी के चलते ही आपको मार्च के लो से अभी देखें तो NMDC 3 गुना हो चुका है, और स्टील की तो आपको बात सबको पता ही होगी कि स्टील के शेयर भी 3-3, 4-4 गुना 6 महीने में हो चुके हैं। तो कहने की बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली जो स्टील सेक्टर है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, इसके चलते ही NMDC की जो कच्ची धातु की है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसके चलते ही यहाँ पे हमें प्राइस हाइक नज़र आ रही है। और इसी के चलते यहाँ पे मुझे लगता है बाजार इसको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस हाइक होती है तो कहीं ना कहीं उसके रेवेन्यू में बढ़िया इम्पैक्ट होता है, रेवेन्यू में बढ़िया जंप मिलती है, और इसी के चलते शेयर प्राइस में भी जंप आना बिल्कुल तय होता है।
तो दोस्तों ये बढ़िया खबर थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी चाहिए। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है वो बताना चाहूंगा। मुझे आपको मंथली टाइम फ्रेम पे यह भी बताना पड़ रहा है क्योंकि ये जो अभी प्राइस चल रही है MNDC की वो इतनी ऊपर जा चुकी है कि काफी सालों पहले ये हमें भाव दिखाई दे रहा था। मैं बात करूँ 2014 से लेकर 2015 के आसपास जो प्राइस चल रहा था उसके आसपास हम अभी आ चुके हैं, मतलब 6-7 साल के पहले जो लेवल थे वहां पे हम आ चुके हैं। मार्च में देखे तो 60-62 रुपए का लो बनाने के बाद जो तेजी निकल करके आ रही है वो अपने आप में देखते ही बनती है। और जो अभी करंट मंथ में तो और भी बढ़िया तेजी यहाँ पे निकल करके आ रही है, सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पे करंट मंथ में ही बनती हुई नजर आ रही है। एक रेजिस्टेंस लेवल था 200 रुपये का, आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे देखे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था क्योंकि अगर मंथली कैंडल पे मंथली टाइम फ्रेम पे आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। उसको तोड़ दिया है परंतु उसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है, हालांकि ब्रेकआउट बिल्कुल आ चुका है। तो यहाँ पे अगर 200 को सस्टेन करता है तो आपको सीधा 255 के लेवल देखने को मिलेंगे और इसके ऊपर 300 के लेवल भी है जो कि आगे हमें आते हुए देखने को मिलेंगे जिस तरह की डिमांड बढ़ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी तो 185 का SL या तो फिर 163 का SL के साथ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो लंबी अवधि के लिए। मुझे लगता है इसमें बढ़िया तेजी और भी आना बाकी है। RSI का लेवल मंथली बताना चाहूंगा दोस्तों 75 के आसपास है, तो हाईली ओवरबोर्ड की सिचुएशन है RSI की मंथली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आए, आप वेट भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है ब्रेकआउट है तो 200 के ऊपर जब तक टिका रहता है आपको पोजीशन बनानी चाहिए। 200 के नीचे आता है तो टेम्पररी बेसिस पे एग्जिट और फिर से 200 का लेवल रिक्लेम होता है तो फिर से आपको यहाँ पे पोजीशन बना करके चलनी चाहिए। ऐसी रणनीति मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी दोस्तों मर्जी तो आपकी चलेगी क्योंकि पैसा भी आपका है, आपको अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। दोस्तों मैं जैसे बताता हूं कि जिस किसी ने जरूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर जरूरत हमें मेरे लिंक के थ्रू। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।